नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेपाल में बारिश के कारण बिहार में बढ़ रहा है जलस्तर। पंचायत चुनाव में बीमार लोग भी कर सकेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। अब मनमाने ढंग से नहीं होगा आपका दाखिला खारिज, रद्द। चिराग पासवान को हाई कोर्ट से लगा झटका। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी सीएमएस ने आवेदन के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 838 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बाद अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर 27 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आप आवेदन वापस भी ले सकते हैं। ज्ञात हो यह परीक्षा 21 नवंबर 2021 को आयोजित करवाई जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का MBBS परीक्षा के लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होना जरूरी है। फाइनल MBBS परीक्षा दे चुके या उसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। अगर हम जिलावार मौसम का हाल जाने तो वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नालंदा, पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में भी कुछ जगहों पर बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंचायत चुनाव में बीमार लोग भी कर सकेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पंचायत चुनाव को लेकर जो अपडेट निकलकर सामने आई है उसको देखें तो अब बीमार लोगों को भी अपने मत का इस्तेमाल का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत मतदान के दिन सभी बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल करने आए सभी लोगों की जाँच तो होगी ही, साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करने में भी आसानी होगी जो बीमार होंगे, जिसके बाद जिन भी मतदाताओं का तापमान मानक से अधिक आएगा उनको अलग से प्रिंटेड टोकन नंबर दिया जाएगा ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके। उसके बाद ऐसे मतदाताओं से मतदान के अंतिम घंटे में वोटिंग करवाया जाएगा। इसके साथ ही बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे ₹50 का जुर्माना देना होगा। अब मनमाने ढंग से नहीं होगा आपका दाखिला खारिज, रद्द। अब तक म्यूटेशन को लेकर आम लोगों को बाबूजी के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे और दिन भर घूमने के बाद भी काम अटका ही रहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार विभाग की तरफ से अब सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद अब दाखिला खारिज के आवेदन को मनमाने तरीके से रद्द नहीं किया जा सकेगा। अक्सर लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि कागजी व्यवस्था के तहत उनके जमीन के दाखिला खारिज के मामले को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसकी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाती थी। हालांकि अब नए सॉफ्टवेयर के आ जाने से कर्मियों को आवेदन रद्द करने का कारण भी बताना होगा, जिसकी सूचना आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जा सकेगी। अब बाढ़ राहत कैंप में होगा कोरोना टेस्ट और टीकाकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा निर्देश के बाद अब जितने भी जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वैसे जिले में आयोजित किए गए राहत कैंप में कोरोना जांच की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन भी लोगों को अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है उनका टीकाकरण भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही जांच के दौरान संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों को अलग से व्यवस्था दिए जाने की मांग की गई है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना का दौर भी है और साथ ही अब बाढ़ की स्थिति भी सामने है, इसीलिए प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत का काम योजनाबद्ध तरीके से करें और आगे के लिए पूरी तरह से सतर्क रहे। उन्होंने इस दौरान सभी तैयारियों को रखने का निर्देश भी दिया है। इस शहर से मात्र 2.5 घंटे में पहुंचेंगे पटना। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में और सुदृढ़ीकरण करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे कि अब पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की इस परियोजना के तहत वैशाली अरेराज की कुछ सबसे कम दूरी की संपर्कता विकसित भी हो जाएगी। इससे अहम स्थानों से पटना से कम समय में आवागमन अब संभव हो सकेगा। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा बाकरपुर से मनिकपुर, मनिकपुर से साहिबगंज और साहिबगंज से अरेराज पंथाश के 4-लेन पंथ के निर्माण के लिए भू अर्जन की कार्रवाई पूर्व से ही प्रारंभ कर दी गई थी, जो अभी अंतिम चरण में है। 4-लेन निर्माण कार्य पूरा होते ही पटना से बेतिया की केवल 2.5 घंटे से आवागमन संभव हो पाएगा।
एनसीबी ने मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन का दिया एक और मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने साल 2022 के मैट्रिक परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने इस बाबत बताया है कि कक्षा 9वीं से वैसे छात्र जिन्होंने अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बोर्ड की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने फिर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर दिया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज्ञात हो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है, वहीं 15 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी की है और बचे हुए छात्रों से रजिस्टर करने की अपील की है। आधुनिक तकनीकों से लैस होगा पटना का तारामंडल। राजधानी पटना के बेली रोड स्थित तारामंडल नवीनीकरण के बाद नए तकनीकों से लैस होने वाला है। इसको लेकर हाल ही में बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विभाग अत्याधुनिक तकनीकों से पूरी तरह से लैस हो रहा है और यह बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि तारामंडल के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर तारामंडल पटना के वर्तमान ऑप्टो मैकेनिकल प्रोजेक्शन सिस्टम एवं डोम स्क्रीन के स्थान पर अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 3D, 2D, RGB लेजर प्रोजेक्शन और चैन सस्पेंडेड डोम स्क्रीन तथा ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाए जा रहे हैं। नीतीश सरकार की इस योजना से महज 15 रुपए में मरीजों को मिलेगी यह सुविधा। पैदल या फिर निजी वाहन से अस्पताल पहुंचने वालों के लिए बिहार सरकार ने अहम योजना जारी की है, जिसके तहत नीतीश सरकार ने इन लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। बिहार सरकार की इस योजना से गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिसके तहत अब इन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए केवल 15 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करने होंगे, क्योंकि अब अस्पताल पहुंचने के लिए बिहार सरकार 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाएगी, जिससे अब समय पर और कम पैसे से अस्पताल पहुंचना आसान हो जाएगा। राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा महंगी है सीएनजी। पटना में सीएनजी की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सीएनजी पर लगने वाला वैट बिहार में सबसे अधिक बताया गया है। जानकारों की माने तो पटना में सीएनजी पर 20% वैट प्रति किलो लिया जा रहा है। पटना में इस वक्त सीएनजी 61.90 रुपए प्रति किलो है, वहीं राजधानी दिल्ली में सीएनजी पर कोई वैट नहीं है, जिसके बाद दिल्ली में मिलने वाले सीएनजी की कीमत 43.40 रुपए प्रति किलो है। वहीं झारखंड की बात करें तो 14%, ओडिशा में 15% और उत्तर प्रदेश में 12.50% वैट सीएनजी पर प्रति किलो वसूला जाता है। यही नहीं, बिहार में पेट्रोल की कीमतें भी दिल्ली से अधिक है। शनिवार को राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम एक बार फिर से 100 रुपए के पार देखे गए हैं। राजधानी दिल्ली से भी महंगा पेट्रोल पटना में मिल रहा है। पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम लोगों के घर का बजट भी बिगड़ गया है। राज्य बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख नहीं जारी करने पर अभ्यर्थियों में रोष। कोरोना के कारण बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के आयोजन को लेकर फिलहाल कोई तारीख जारी नहीं की गई है, जिसके कारण छात्रों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। छात्रों की माने तो जब कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के कारण स्कूल कॉलेज का संचालन हो रहा है, तो फिर परीक्षाओं का संचालन क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी परीक्षा की संभावित तारीख भी जारी नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 11 जुलाई 2021 को परीक्षा संभावित थी, जिसे बीएड राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने स्थगित कर दिया है। बाघों की गिनती के लिए बीटीआर में लगाए जाएंगे 500 कैमरे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के लिए 500 कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारों की माने तो बारिश खत्म होने के साथ ही बाघों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर ही जंगलों के अलग अलग इलाके में कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बाघों की गिनती हर साल की जाती है, इसकी संख्या सार्वजनिक भले नहीं की जाए। बीटीआर के क्षेत्र निदेशक हेमकांत रॉय ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर गन्ना को सार्वजनिक किया जाता है। संख्या को लेकर एनटीसीए ने 20 मई तक रिपोर्ट मांगी थी, इसे भेजा गया है, जिसके बाद अब बाघों की गणना की जानकारी 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर सार्वजनिक की जाएगी। लोक अदालत के संबंध में केस की लिस्ट जारी। पटना हाईकोर्ट के समक्ष आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में मुकदमों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके तहत आज मुकदमों की सुनवाई 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। हर केस की सुनवाई हाईकोर्ट के एक जज और एक वकील करेंगे। कुल मिलाकर 6 पटना हाईकोर्ट के जजों के साथ साथ 6 अधिवक्ता संयुक्त रूप से सुनवाई में शामिल रहेंगे। इसके लिए 6 बेंच का गठन किया जा रहा है। पिछले साल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वैश्विक महामारी कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। ज्ञात हो हाईकोर्ट में लोक अदालत के दौरान सुनवाई के लिए 304 विभिन्न तरह के मामलों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर
95 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1018 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 6, अरवल में 2, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, भागलपुर में 2, भोजपुर में 2, बक्सर में 1, दरभंगा में 6, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 1, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 3, खगड़िया में 2, किशनगंज में 7, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 2, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 3, नवादा में 2, पटना में 15, पूर्णिया में 9, रोहतास में 1, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 4, सिवान में 2, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसा मामला सामने आया है जो दूसरे राज्य का है, लेकिन इसके सैंपल बिहार के जिले में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,28,916 सैंपल की जांच की गई है। वहीं 217 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पुलिस कर्मियों की साफ सुथरी वर्दी नहीं रही तो हो जाएगी कार्रवाई। बिहार डीजीपी की तरफ से शुक्रवार को जारी एक एडवाइजरी में यह जानकारी दी गई कि राज्य पुलिस के सभी पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य अवधि के दौरान विहित प्रावधान मापदंडों के अनुसार वर्दी का धारण करना सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर बिहार पुलिस ने उन पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से आगाह किया है जो बिना वर्दी या फिर मापदंड के अनुरूप वर्दी नहीं पहनते हैं। जारी एडवाइजरी के अनुसार जिन कार्यालयों में वर्दी धारण करने की अनिवार्यता नहीं है, वहां भी परिधान मर्यादित और कार्यालय के अनुरूप होनी चाहिए। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण पर कसा तंज। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसके तहत प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य भेजने की तैयारी हो रही है। हालांकि विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह अंदाज रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। बाढ़ की वजह से जनता रो बिलख रही है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी केवल हवाई सर्वेक्षण कर रही है। बिहार में विपदाओं की बहार है, लेकिन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सिर्फ जायजा ले रहे हैं। राज्य में बाढ़ राहत के नाम पर घोटाले का सिलसिला जारी है। वहीं हवाई सर्वेक्षण के नाम पर झील सा नजारा देखने का वर्षों से चला आ रहा सिलसिला अभी भी बिहार में जारी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह की हुई छुट्टी। बिहार में जदयू में उठापटक शुरू हो गई है, जिसके तहत पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला बदलाव पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को लेकर सामने आया है। खबरों की माने तो पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को उनके पद से हटा दिया है, जिसके बाद अब इस पद की जिम्मेदारी उन्होंने पूर्व मंत्री और MLC नीरज कुमार को दी है। इसके साथ ही अरविंद निषाद को फिर से प्रवक्ता बनाया गया है। इसको लेकर पार्टी ने अपने प्रदेश प्रवक्ता की नई सूची भी जारी की है। नई सूची में नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं उनके साथ पूर्व MLC रणवीर नंदन, सुहेली मेहता, डॉक्टर अजय आलोक, निखिल मंडल, प्रगति मेहता, अरविंद निषाद, अभिषेक झा का नाम शामिल है। पासवान को हाईकोर्ट से लगा झटका। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि चिराग को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। चिराग पासवान की याचिका में बोलते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई आधार ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। ज्ञात हो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ सिंबल की लड़ाई को लेकर और संसदीय दल का नेता बनाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जन अधिकार पार्टी के मुखिया भले ही सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन वहीं से उनकी राजनीति जारी है। इसी कड़ी में हाल ही में उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर विपक्ष जहां एक तरफ योगी सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को पप्पू यादव ने आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी की दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मुंबई में जन्म 1949 में आज के दिन हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाओं के पहले NCC कॉलेज की शुरुआत 1965 में आज के दिन हुई। मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का 1972 में जला वितरण आज के दिन हुआ था। नासा का मंगलयान रोवर 2003 को लॉन्च आज के दिन किया गया था। भारत और श्रीलंका में शिक्षा और सामुदायिक विकास के संबंध में 2 समझौतों पर 2005 में हस्ताक्षर आज के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता आलोक नाथ का जन्म 1956 में आज के दिन हुआ था। आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य के प्रसिद्ध कवि भाई सिंह का निधन 1957 में आज के दिन हुआ था।
आप जल्द ही व्हाट्सएप से शेयर कर सकेंगे हाई क्वालिटी फोटो। अब व्हाट्सएप के माध्यम से हाई क्वालिटी फोटो शेयर किया जा सकेगा। इसको लेकर जल्द ही व्हाट्सएप एक नया फीचर रोल करने वाला है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में व्हाट्सएप के एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.21.14.16 को रिलीज किया गया है और इसकी कोडिंग को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी बेस्ट क्वालिटी इमेज शेयरिंग के फीचर पर काम कर रही है। इस नए फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर को फोटो सेंड करते टाइम तीन क्वालिटी ऑप्शन ऑटो, बेस्ट और डेटा सेवर में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। ऑटो मोड में फोटो यूजर के डिवाइस पर आ रही इंटरनेट स्पीड के हिसाब से क्वालिटी को एडजस्ट कर लेगा। शुभमन गिल और रिप्लेसमेंट को लेकर सौरभ गांगुली ने दिया अपना बयान। इन दिनों चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हुए शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच काफी खींचतान चल रही है। टीम मैनेजमेंट पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल को इंग्लैंड बुलाना चाहती है। हालांकि यह माना जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने शॉ और पड्डीकल को इंग्लैंड भेजने से इनकार कर दिया है। इस विवाद पर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह सिलेक्शन कमेटी से जुड़ा मामला है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे श्यामल सिन्हा की। श्यामल सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1930 को हुआ था। श्यामल सिन्हा, जिन्हें श्यामलाल सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और क्रिकेट कोच थे। सिन्हा एक गेंदबाज के रूप में 1951 से 52 से 1962 से 63 तक बिहार के लिए नियमित रूप से खेले। 1958 से 59 में बंगाल के खिलाफ 29 ओवर में 82 रन देकर उनका सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 4 था। उड़ीसा पर एक करीबी जीत में उनका सर्वोच्च स्कोर 9वें नंबर पर नाबाद 34 था। पारी का दूसरा शीर्ष स्कोर था। 1950 के दशक में पटना विश्वविद्यालय में अपने अल्मा मेटर में पढ़ाते हुए उन्होंने और उनके कुछ सुजीत मुखर्जी सहित सहयोगियों ने पटना में अनौपचारिक रूप से स्थानीय लड़कों को कोचिंग देना और क्रिकेट को बढ़ावा देना शुरू किया था। सिन्हा को बिहार सरकार द्वारा राज्य क्रिकेट कोच नियुक्त भी किया गया था। आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने जारी की जानकारी। आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। UIDAI ने कहा है कि सभी 12 डिजिट नंबर को आधार न माना जाए। आपको बता दें कि UIDAI ने ये अलर्ट आधार को लेकर मिल रही फ्रॉड की शिकायतों के बाद जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि UIDAI ने इस चेतावनी को ट्विटर के जरिए दिया है, जिसमें उसने लिखा है कि सभी 12 डिजिटल नंबर आधार नहीं होते हैं। ये सुझाव दिया जाता है कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसलिए अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको किसी के आधार की जरूरत पड़ी, तो ये जरूर चेक कर ले कि उसने जो आधार नंबर दिया है वो वाकई में आधार का नंबर है भी या नहीं, और आप ये कंफर्म हो जाए कि दिया गया 12 डिजिट का नंबर आधार का ही है, तभी उसे स्वीकार करें। इसको वेरीफाई करने का तरीका भी खुद UIDAI ने बताया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,810 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,810 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 102.85 रुपए प्रति लीटर थी और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, गौरव यादव, कृणता गुप्ता, रघुनाथ प्रसाद, ब्रजमानी कुमार, भारत प्रसाद, केशरी, शंकर मुखिया, रवि पासवान, ललित कुमार, पंकज कुमार, मुन्ना परदेसी, फुलेंद्र कुमार, मोनिका कुमारी, शंभु कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शुभमन गिल की जगह टीम में किस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।